विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन का नमस्कार करी थे। रीवा जिला के गढ़ थाना क्षेत्र के अंदर आवे वाले अगडाल गांव के श्याम किशोर तिवारी के घर में आधा दर्जन से अधिक लोग डकैती डाले रहे हैं। बताए दे कि रात में घुसे डकैत बंदूक के नोक पर परिवार का अपने कब्जा में ले ली है और घर में रखी पेटी नगद रुपया और मोबाइल लेके रफ चक्कर हुई है। अपना पचन का बताए दे कि सेध लगाई के घुसे चोरन के आहट पाई के घर के लोगन की नींद खुली, जेके बाद बिटिया के पिता अशोक तिवारी और घर के लोगन का बंदूक और चाकू के नोक पर बैठाए के मारपीट किए और जान से मारे के धमकी देते रहे। आई अपना पंचन का दिखाई थे पूर्व घटना और सुनाई थे आसपास के लोगन के साथ पीड़ित परिवार का कहा थे। वो आए थे तो मेरे गले में ऐसे इतने चाकू किए थे, बोले कि अगर हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे। कितने लोग थे, देखी थी? मैं एक लोग को बस देखी थी। अच्छा, और कुछ नहीं कह रहे थे? नहीं। हाँ, घटना यह है कि जब इनसे लपटे तो हल्ला हुआ, हटका खोली नहीं जोर से, तो वो हटका गिरा है तो भट्ट से भा, तो हम उठ के आई से बाहर तो कहीं से बिटुआ थे कहूँ ड्रामा कह रहे आज कितनी देर हुआ कहा था हम कहीं से कहूँ ड्रामा कह रहे तो एक बार के एक मुक्का मारे ने मुहे माँ एहमेर का मारन है, ये हमारे हाथों दर्द है मारे नहते कबा कहते भाग 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 भाग, तो तीन तो सारे वो कहते भागे। हाँ, और दो बेटुआ का पछी आन रहे जो हथियार ले रहे हैं। कत्ते लोग रहे? अब भंडार हम पाँच का दिखे नहीं। कुछ लूटा उपात करी जी? लूट पाट है तो एक ही हमारे खटिया के खा लिए धरी रही है, तो ही में 10-12 हज़ार रुपया कुछ पैसा कौड़ी मांगत रहे? नहीं, हम फोन चाहिए कुछ पैसा कौड़ी तो कम लोग प्रश्न नहीं आबाई। पांच लोग इतने जगह में सब कंप्लीट थे, एक हमको बंदूक बताया था। आपका नाम क्या है? अशोक तिवारी। पिताजी का नाम? श्याम किशोर तिवारी। कल आपके रात के घर में घटना कैसे घटी, क्या हुआ? रात में जो है तो सेध करके करीबन पांच लोग तो मौके पे थे और एक रात में ब्लोरो जो है तो हमको आधे घंटे जब हम लोग बाहर निकले हैं तो एक आधे घंटे बाद ब्लोरो बाहर गई है। एक आदमी पिताजी के कमरे से पेटी लेके गया है। अब पांच लोग वारदात यही मौके में थे। एक आदमी हमको ऊंचाई यहाँ पे खड़ा था तो हमको उचाया, फिर एक आदमी जो है तो बंदूक दताया था, हम यह देखते थे एक बंदूक दताया, एक जो टायर वालों बिहारी के चाकू होती है वो चाकू लेके वो दताया था, एक आदमी वो हटका लेके खड़ा था और एक आदमी लास्ट में था वो बड़ा गंजा था, वो गुट्ठा वाला गंजा, तो हमारे ये सर पे यहाँ पे मारा। फिर इसके बाद जब हम जगे तो हमारा मुँह दाब दिया, हमको गाली दिया कि हम जान से मार देंगे, हल्ला मत करना। हमको बैठा के यहाँ पे ऐसे बैठा के और हमारा ये दोनों हाथ पीछे करके बांधा, एक बार छुड़ाए हम उससे, बोले भैया हमको पिशाब लगी, पिशाब तो करने दो, तो बोला कि नहीं जाएगा, हल्ला करेगा मैं जान से मार दूंगा। बार बार मेरे बंदूक दताता। बंदूक कौन लिए थे, कट्टा लिए थे कि बड़ी? वो इतनी बड़ी वो एक हाथ की करीबन पतली बंदूक थी और बार बार हमको दताता कि हम मार देंगे। इसके बाद हमको एक मुँह मतलब एक लड़का छोटी कांटी का था जिसका चप्पल वो वहां से चढ़ा है, वो चप्पल सामने मुँह के बाद वो पड़ा है, ये चप्पल पड़ा है वो तख्ते में चढ़ा है, हमको बांधा है। अब बांध के इसके बाद जो है तो एक गए हैं पिताजी के कमरे में, तीन जो है तो वो अंदर गए हैं, एक वो लड़का खड़ा था यहाँ, तो हम खड़ा होके उसको धक्का मारे और वो गेट हमारा खुला था तो हम बाहर निकले हैं। बाहर क्या रहे थे? मारपीट के दौरान मारपीट कर रहे थे, हम जान से मार देंगे, हल्ला मत। और कुछ कह रहे थे? केवल मारपीट कर रहे थे, कुछ और मांग रहे थे? नहीं, मांगे कुछ नहीं। हम बोले उनसे कि भैया आप कौन हो, कैसे आए हो, क्या चाहिए, कुछ नहीं बोले, सिर्फ ये बोले कि हम जान से मार देंगे तेरे को, हल्ला करेगा जान से मार देंगे, और कुछ नहीं। मेरा यहाँ पे मोबाइल रखा था, मोबाइल ले गए हमारा। ले क्या क्या गए हैं आप? यहाँ से मोबाइल दो ले, एक हमारा ले गए, एक मैडम के कमरे में वो खुला तो वहाँ गए हैं, वो बच्ची का जो है तो चाकू लगाए हैं कि हम हल्ला करेगी तो हम जान से मार देंगे। फिर दो मोबाइल ले गए, पिताजी की पेटी पहले ले गए, उससे 10-12 हज़ार रुपये थी, वो पुल के पास पड़ी थी, वो सुबह जानकारी मिली तो हम लोग पेटी जाके चार पांच लोग गए और वहाँ से पेटी लेके। तो आपकी दो मोबाइल गई है जी और एक पेटी में 12,000 रुपये जी, पेटी में 12,000 रुपये था। इसके बाद पेटी का पूरा रिकॉर्ड जो है तो किसके साथ मारपीट हमारे साथ किए हैं, बच्ची के साथ, बच्ची के साथ, बच्ची के गले में चाकू लगाए फिर छोड़ दिए। खबर रीवा जिला के चोराहटा थाना क्षेत्र में आवे वाले कपसा गांव के आए। बताए दे कि शादी समारोह में गाली गुप्ता कर रहे लोगन का एक ठे परिवार टोकिस, जेके बाद आरोपी ओहिन के ऊपर हमला बोलती है। बताए दे कि अब मारपीट की घटना में आधा दर्जन लोगन का चोट पहुंची है, जिनका इलाज के खातिर अस्पताल पहुंचावा गया है। यह मारपीट करे वाले माँ भरत कोल, अज्जू कोल समेत दीपू का बताए जात है। बताए दे कि घायलन मां नीरज शुक्ला, शंकर शुक्ला, सुशीला शुक्ला शामिल है, जिनका उपचार के खातिर अस्पताल में भर्ती करावा गया है। आई सुनी थे पीड़ित पूर्व मामला का लेके का जानकारी दी है।
क्या नाम है? हमारा नाम शंकर शुक्ला, शंकर शुक्ला। और कौन कौन घायल है? नीरज शुक्ला और सुशीला शुक्ला। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी कि एक प्रजापति की यहाँ पर रात आई थी, आदिवासी लोग वहाँ पे मारपीट मचा रहे थे। हम लोग मना कर दिए, हमारे द्वार थे तो हम लोग मना कर दिए कि किसी की बहन बेटी की शादी है वहाँ झगड़ा विवाद मत कर, रजा बदनामी होती है। तुम सब हम लोगों को भी मारने लगे। बोलो, मारने वाले कहाँ के हैं? गाँव के हैं सर। क्या नाम उनका? नाम है एक का डिप्पू कोल है, एक फारस कोल है, और एक अज्जू कोल है, कहरू कोल है। घटना कहाँ की है? घटना कप्सा पंचायत का। थाने में शिकायत हुई है? थाने में शिकायत हुई है सर। कौन सा थाना? ये थाना चौराहा। हाल ही में दिल्ली एमसीडी के चुनाव भे रहे हैं और ओखर नतीजा निकल के सामने आबा है, जेमा जीत हासिल भई ही और यह जीत के खुशी पूरे देश में मनाई जात लागी। बताए दे कि सेमरिया नगर परिषद रीवा में आम आदमी पार्टी के द्वारा यमुना प्रसाद शास्त्री के प्रतिमा में माला चढ़ाई के पटाखा फोड़ा गा और लोगन का मिठाई खवाई गई। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा का कही नहीं सुनी थे। जो आप जुलूस था ये किस संबंध में जुलूस निकाला गया था? ये आज हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पे और एमसीडी में बुरी तरह जो है अभी तक केवल कांग्रेस बोलती थी हम हारे, बीजेपी कहती थी हमको हराओ, तो बीजेपी को भी हरा कर आम आदमी पार्टी ने दर्शा दिया और राष्ट्रीय पार्टी हो गई। इस बात को लेकर सिमरिया इकाई द्वारा मैं जिलाध्यक्ष ग्रामीण आम आदमी पार्टी का यहाँ पहुँचा था, इनके जो कार्यक्रम यहाँ पर रचा था जिला इकाई ने उस पर हम सभी शरीक हुए थे और बधाई देने के लिए पूरे सिमरिया के अंदर में जगह जगह से जुलूस निकल रहे हैं। अभी रीवा निकला तब यहाँ आया था, इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर जुलूस निकालने आए थे। कि आगे आपका मध्य प्रदेश की क्या रणनीति रहेगी? मध्य प्रदेश में समस्त सीटों पे आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और उसमें से जैसे गुजरात के किले को भेदे हैं वैसे मध्य प्रदेश में 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। जनता चाहती है तीसरा विकल्प, उसके लिए आम आदमी पार्टी उसका विकल्प है, इसलिए जो है हम लोग सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। समाज सेवी संस्था इनर व्हील के द्वारा रीवा में औरतन में ज्यादातर होए वाली बीमारी के जांच के खातिर शिविर लगावा गया है। इस शिविर में औरतन में होए वाली कैंसर से जुड़ी बीमारी के संबंध में जानकारी दी गई और लक्षण दिखाने पर जांच की गई। अनिल अग्रवाल, प्रार्थना हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से। आज हम लोगों ने यहाँ पे इनर व्हील क्लब ऑफ रीवा मेराकी, इनर व्हील क्लब सतना उद्गम और इनर व्हील क्लब मैहर के सहयोग से एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का कैंप आयोजित किया था। सर्वाइकल कैंसर जो कि एक बहुत ही भयावह, भारत में पाया जाने वाला दूसरे नंबर का कैंसर है, किंतु पूरी तरह से इसको रोका जा सकता है एक छोटे से पैप स्मियर नाम के टेस्ट के द्वारा। आमतौर पर महिलाएं इसके लिए जागरूक नहीं होती हैं या उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाके इसे कराएं, या शायद पैसों की दिक्कत की वजह से ये टेस्ट नहीं कराना चाहती हैं। तो इसी सब जो स्पेसेस थे उसको भरने के लिए आज हमने ये कैंप आयोजित किया। आज हमने यहाँ पे सभी महिलाओं को पैप स्मियर के बारे में जानकारी दी है। ये टेस्ट बिल्कुल 100 रुपये में इनर व्हील क्लब के द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है। इस टेस्ट की रिपोर्ट सभी मरीजों को, सभी जो भी महिलाएं इसके लिए आज यहाँ पे रजिस्टर कराएंगी, टेस्ट की रिपोर्ट उनको घर तक पहुँचाई जाएंगी और उसके बाद प्रथम कंसल्टेशन उस टेस्ट से रिलेटेड या किसी और समस्या से रिलेटेड बिल्कुल फ्री प्रार्थना हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में दिया जाएगा। तो मेरा सभी महिलाओं से अनुरोध है कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसके बाद भी वो कभी भी प्रार्थना हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में इसके लिए संपर्क कर सकती हैं। हम सभी महिलाओं की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहेंगे और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सर्वाइकल कैंसर को
रीवा से कम कम जितना कम कर सके उसमें थोड़ा भी सहयोग दे पाए तो हम अपने आप को बहुत ही धन्य मानेंगे। थैंक यू। आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम होते हैं माहवारी में अनियमितता, किसी भी तरह का बदबूदार पानी जाना, खुजली होना, नीचे की तरफ दर्द रहना, वजन कम होना, यही आमतौर पर लक्षण पाए जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के। अभी तो हम स्क्रीनिंग शुरू करने जा रहे हैं, पर आप विश्वास मानिए हर दो दिन में मैं एक महिला सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित प्रार्थना हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में देख रही हूँ। और अगर शासकीय की बात की जाए तो प्रतिदिन दो या तीन महिलाएं इससे पीड़ित आती हैं। तो ये देख के बहुत ही दुख होता है कि ऐसा कैंसर जिसको हम पहले रोक सकते हैं, पता कर सकते हैं, जागरूकता की कमी की वजह से महिलाओं को सुगम रूप से नहीं मिल पा रहा है। शक्ति चेतना मंच के कार्यकर्ता दतिया में रखी पड़ोखर सरकार के महंत गुरु शरण शर्मा के पुतला फूंकी। बताए दें कि विरोध करे वाले कहीं के पड़ोखर सरकार के महंत गुरु शरण शर्मा के द्वारा सनातन धर्म के अपमान कीन जात लाग है। इतने ही नहीं, जगत जननी जगदम्बिका के अपमानों कहीं ही। आई सुनी थे ज्ञापन सौंपे वाले कामा कहीं ही। पहले सबसे जय माता की, जय गुरुवर की। आज जो ये ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, इसके पीछे एक दतिया में पंडोखर सरकार के नाम से एक आश्रम है जिसका महंत गुरु शरण शर्मा है, जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, हिंदू समाज को बदनाम कर रहा है और पर्ची बना बना के गरीब असहाय निर्धनों को लूट रहा है। आपके पास कोई समस्या है तो वो कहता है हमें 50,000 दे दो, हम तुम्हारी समस्या हल कर देंगे, और देवी देवता हमारे बूट की पालिश करते हैं। ऐसे उन्होंने पूरे जगत जननी जगदम्बा को भी उन्होंने कहा कि हमारे बूट की पालिश करते हैं, इसलिए आज लाखों लाख लोग पूरे भारत देश में उसके खिलाफ हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हम माननीय तहसीलदार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं कि इसकी जांच हो, इसके साथ बड़ी से बड़ी कार्यवाही हो कि हमारा हिंदू समाज बच जाए, हमारा सनातन धर्म बच जाए। हमारे सनातन धर्म का एक लक्ष्य है कि सबका सबके परोपकार करें, सबको हम सही मार्ग दें, सबको सही दिशा बताएं। इस ओर जब हमारे परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री सद्गुरु जी महाराज ने इसमें आवाज उठाई तो वो पड़ोखर सरकार गुरु शरण शर्मा बौखला गया और बौखला के अनाप शनाप सबको बोलने लगा, जिसके कारण आज ये भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तत्वावधान में इस रीवा जिला में इसका पुतला दहन किया गया और इसको हम लोग जूते से चप्पल से मार के और इसको हम लोगों ने दहन किया है। और मैं प्रशासन से चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से चाहता हूँ कि इसकी पूरी जाँच हो कि इसका क्या कारनामा है और इसके पीछे हजारों लोगों ने बता के रखा है कि हमारा ये शोषण किया है, हमारा ये लूटा है गरीब लोगों को, जो अपना जमीन बेच के अपना घर बेच के इसके वहां गए और ये इसने उनको लूटा 25,000 के नाम से, 50,000 के नाम से, 1,00,000 के नाम से इसने लूटा है। इसके के खिलाफ हम लोग ये आज यहाँ पर ये रैली यात्रा निकाले हैं। नाम मेरा हीरा लाल उर्मलिया है, हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रीवा के जिला अध्यक्ष हैं। आज भगवती कल्याण संगठन जिला रीवा की इकाई के द्वारा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन जो है ये पड़ोखर सरकार जो हैं गुरु शरण शर्मा जी जो संचालक हैं वहाँ के, उनके विरोध में ज्ञापन 11 बिंदुओं पर प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में ये कहा गया है कि जो गुरु शरण शर्मा जी हैं उनके द्वारा महिलाओं को लेकर के अपशब्द का प्रयोग किया जाता है सार्वजनिक तौर पर, और साथ में पैसे के लेकर के डिमांड की जाती है कि आप पैसा दो और हम आपका काम करवा देंगे, और अन्य लोगों को भी जो धर्म है सनातन धर्म है उसको लेकर के भी विवादास्पद शब्दों का प्रयोग वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। उसी के संबंध में ये संगठन के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम से अग्रेसित कर दिया जाएगा। आज खातिर इतने, बघेली मबिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।